हरियाली तीज का व्रत करवा चौथ की तरह ही होता है। स्वागिन महिलाएं अच्छा जीवन साथी पाने के लिए और पति की लंबी आयु सलामती के लिए इस दिन निर्जला व्रत रखती है। एक धार्मिक मान्यता के अनुसार माता पार्वती ने भी भगवान शिव को पाने के लिए कठोर तपस्या की थी। हरियाली तीज को श्रावणी तीज भी कहते हैं क्योंकि ये व्रत हर साल सावन माह की शुक्ल पक्ष तृतीया को आता है। हरियाली तीज का ये पर्व मुख्य तौर पर मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में मनाया जाता है। तो चलिए जानते हैं इस साल हरियाली तीज किस दिन आ रही है, पूजा का क्या विधान है और किस समय पूजा करना ज़्यादा लाभदायक रहेगा। साथ ही इसके महत्व के बारे में भी जानेंगे खरगोन के प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर बसंत सोनी से। नाम ही हरियाली तीज। हरियाली तीज जैसा नाम है वैसा ये त्यौहार भी है। इस समय पूरे जंगलों में हरा हरा रंग आदमी के मन को मोह लेता है। उसी समय ये त्यौहार मनाया जाता है। इसी त्यौहार के दो दिन पश्चात नागपंचमी का त्यौहार भी मनाया जाता है। अब हम हरियाली तीज के बारे में ही बात करेंगे। हरियाली तीज 6 अगस्त से शुरू हो रही है जो 7 अगस्त को शाम को 10 बजे तक रहेगी। इस पूजा का विधान ऐसा है कि कुंवारी लड़कियाँ अच्छे पति के लिए निर्जला उपवास करती है। निर्जला उपवास से मतलब होता है बिना पानी के सूर्योदय से लेकर सूर्य अस्त तक कुछ भी खाना पीना नहीं है। महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए इस पूजा को करती है। इस पूजा का विधान इस प्रकार है जो मैं संक्षिप्त में बता रहा हूं। इस पूजा में पीले कपड़े पर सबसे पहले गणेश जी की पूजा करना चाहिए। गणेश जी की पूजा के पश्चात गणेश जी के माता पिता शिव और पार्वती को अच्छे तरह से श्रृंगार करके पूजा करना चाहिए। पूजा करने के पूर्व महिलाओं को 16 श्रृंगार स्वयं के ऊपर करना चाहिए एवं हरे रंग के चूड़ियाँ और हरी साड़ी पहनकर पूजा करने से विशेष लाभ प्राप्त होता है। हरे भगवान को भी हरी हरी चीज़ें चढ़ाई जाती है जैसे भांग, धतूरा, इन हरी रंगों की प्रसाद के रूप में चढ़ाया जाता है और सभी प्रकार के पंचामृत का उपयोग किया जाता है। पूजा करने के पश्चात हरियाली तीज की आरती का विधान है। हरियाली तीज के दिन सुबह 6 से 9 बजे तक शुभ मुहूर्त रहेगा, दोपहर में 10:30 से 12 तक और शाम को 4:30 से 6 के बीच में इस पूजा को करने से लाभ मिलेगा। अभी हम देखेंगे कि 6 तारीख से त्यौहार शुरू हो रहा है लेकिन सभी विद्वानों का मत है कि 7 तारीख को यह त्यौहार मनाया जाए। आपको बता दें कि एक मान्यता के अनुसार माता पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तप किया था। इसे शिव और माता पार्वती के पुनर्मिलन के रूप में भी मनाया जाता है। लोकल 18 के लिए खरगोन से दीपक पांडे की रिपोर्ट।